रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नमस्कार, जैसा कि आप सभी ये देख रहे हैं, ये है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट रामबाग, जो मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। इनका स्थापना वर्ष 1956 में हुआ था। चलिए आप सभी को मैं नजदीक से दिखा रही हूँ। ये देखिए ये हमारा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है। इनकी स्थापना 1956 में हुई थी। तो आज मैंने ब्लॉग बनाने जा रही हूँ अपने कॉलेज के ऊपर। तो चलिए मैं एंट्री कर रही हूँ कॉलेज। ये देखिए इधर हमारे गार्ड अंकल हैं। यहाँ पे हमारे गार्ड अंकल हैं जो एंट्री करते हैं। खाना खाने के बना सीखो। और ये देखिए ये हम सभी प्रशिक्षुओं ने मिलकर यहाँ की दीवारों पे बहुत सारा पेंटिंग किया है। बहुत ही आकर्षक हम लोगों ने मिलकर बनाया है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, प्राकृतिक वातावरण से ये सुसज्जित हमारा डाइट राम। वाह क्या सीन है। ये सुसज्जित हमारा डाइट राम बाग है। यह बिहार के टॉप 10 कॉलेज में आते हैं। यहाँ प्राकृतिक वातावरण इतने अच्छे हैं कि देखते ही मन मोह लेता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हर एक फल का पेड़ यहाँ मिल जाएगा। देखिए ये नारियल का पेड़ है। देखिए ये रहा नारियल का पेड़, है ना। और ये देखिए इधर संलग्न पाठशाला है, जो मिडिल स्कूल है 1-8 तक। और हमारे संस्थान में देखिए, हमारे संस्थान में पूजा के लिए यहाँ पे मंदिर भी है। हम सभी प्रशिक्षुओं मिलकर यहाँ पर पूजा भी करते हैं। और देखिए ये कितने अच्छे हम लोगों ने सोलर सिस्टम मिलकर बनाया है, हम सभी प्रशिक्षुओं ने। और हमारे संस्थान में ये देखिए ये हमारे संस्थान का पेंटिंग है। कितना अच्छा लग रहा है ये पेंटिंग। हमारे बिहार में प्रसिद्ध है मधुबनी पेंटिंग, और ये हम लोगों ने अपने संस्थान में वर्ली आर्ट बनाया है। ये भी काफ़ी फेमस है। और आगे देखिए ये हम सभी ने क्या बनाया है। हाई क्वालिटी लर्निंग। इनका थीम भी है, स्ट्रेटजीज है, साइन है, कंटेंट है, रोल है, फ्रेम है। और ये देखिए क्या इतना ही आकर्षक पेंटिंग है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट को दर्शाता है, और एक जो लड़की का विकास होता है वो चीज़ यहाँ पे दर्शा रहा है ये पेंटिंग। और ये देखिए ये लाइफ स्किल ट्री है, जो हम लोगों के लाइफ में ये इन सारी चीज़ों का ज़रूरत होता है। देखिए जैसा कि मैं बता रही हूँ, यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस है। ये हमारे लाइफ में ये इसकी स्किल काफ़ी ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब मैं अपने संस्थान में एंट्री करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रेयर यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह प्रेयर यहाँ पे करते हैं। और हमारे संस्थान में देखिए ये क्या है, ये भी ट्री है, मैनर्स ट्री है ये। और नेक्स्ट देखिए ये क्या है, ब्रेन है। हम लोग क्या क्या थिंक करते हैं वो देखिए। और ये हम लोगों ने मिलकर सारे प्रशिक्षुओं ने फ्लैग बनाया है, हम सभी अपने उंगलियों के निशान से। इसमें सारे प्रशिक्षुओं का योगदान है। प्रशिक्षु संघ टीचर का। और ये देखिए हमारे कितना मनमोहक वातावरण है। ये देखिए लीची का बगान है, आज लीची भी टूट रही है। चलिए मैं लीची दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे कॉलेज का लीची है। और ये देखिए, चलिए मैं ये देखिए ये हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल है। यहाँ पे बहुत सारे मीटिंग वगैरह होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। और चलिए मैं अब आगे मैं अपने लाइब्रेरी से मुलाकात करवाती हूँ। देखिए कितना, और ये देखिए ये हम सभी ने गार्डनिंग बनाया है, कितना खूबसूरत है। और ये बहुत सारे जंगल यहाँ पर लग गए हैं। और ये देखिए हम सभी ने ये मिलकर फ्लावर पॉट और साथ में फ्लावर। और ये देखिए हमारे सेक्शन के द्वारा, सेक्शन डी, हम सभी सेक्शन डी के प्रशिक्षु। और ये देखिए हम सभी ने बनाया है मिलकर, ये बैठने वाला है। और ये गार्डनिंग तैयार किया है, काफ़ी जंगल इसमें लग गया है, इसे हम लोगों ने मिलकर फिर से तैयार करेंगे तो ये फिर सही हो जाएगा। और ये देखिए ये हमारा लाइब्रेरी है डाइट रामबाग का।
कितना मनमोहक लग रहा है, कितना खूबसूरत, देखते ही इतना अट्रैक्टिव है कि पढ़ने के लिए ललायत हो जाएंगे यहाँ के बच्चे। ये देखिए पेंटिंग कितना काफी खूबसूरत है, पुस्तकालय लिखा हुआ सत्यमेव जयते। चलिए मैं अब आगे चलती हूँ। चलिए अब मैं चलती हूँ अपने प्राचार्या कक्ष में। देखिए इधर भी बहुत सारे कक्षा कक्ष का संचालन हो रहा है। आगे मैं अपने प्राचार्या कक्ष के पास दिखाती हूँ। ये हमारे प्राचार्या कक्ष के हमारे गार्ड साहब हैं। और ये देखिए ये हमारा प्राचार्या कक्ष के ये ऑफिस है। हमारे प्राचार्या का नाम है श्रीमती अनामिका सिन्हा। और ये देखिए ये हमारा चैम्बर है जिसमें ऑफिस का सभी काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है ये। ये देखिए ये हमारे प्रथम वर्ष के शिक्षकों का कक्षा है, यहाँ पर संचालन हो रहा है। और ये कक्षा खाली, इस कक्षा में हम सभी का क्लास होता है। आज हम लोगों का फूड एग्जीबिशन है, इस कारण से हम लोगों ने आज इसमें उपस्थित हो चुके। अरे कहना क्या चाहते हो? चलिए आगे दिखा रही हूँ। चलिए इधर पानी का भी व्यवस्था यहाँ पे काफी अच्छा है। गर्मी के दिनों में यहाँ पे ठंडे ठंडे पानी मिलते हैं। चलिए मैं पानी का व्यवस्था दिखा रही हूँ। ये देखिए चलिए मैं अब अपने संस्थान के दूसरे कैंपस में एंट्री कर रही हूँ। यहाँ से देखिए नज़ारा कितने खूबसूरत है। ये जो हमारे सामने आ रही है दोनों हमारे शिक्षक हैं, व्याख्याता महोदय हैं। और ये देखिए हम लोगों ने बागवानी का कार्य किया। और ये देखिए कितना मनमोहक ट्री। और ये देखिए कितना पुराना, कितने साल पुराना। हम लोग यहाँ पर बैठ के पढ़ाई भी करते हैं। और ये जिंदगी हो तो ऐसी हो। लोगों का द्वितीय वर्ष का कक्षा है, हम लोग यहाँ पे कक्षा का संचालन करते हैं। और खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया भाई। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।